स्वरूप कैसा है? तो बताओ हमारे प्रभु का स्वरूप कैसा है? तो वर्णन करते हुए कहा, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय। हमारे प्रभु का स्वरूप कैसा है? तो कहा सच्चिद आनंद रूपाय। हमारे प्रभु कैसे हैं? बोले सदरूप हैं। हमारे प्रभु कैसे हैं? बोले चिद्रूप हैं। हमारे प्रभु कैसे हैं? बोले आनंद रूप भी है। तो कहा प्रभु का सदरूप यानी क्या? तो जरा ध्यान से समझ लेना। श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि प्रभु का सदरूप यानी ये जो दृश्यमान जगत हमको अपनी आंखों से दिखता है, ये क्या है? बोले प्रभु का सदरूप। चिद्रूप यानी क्या? ये जितनी भी सजीव सृष्टि है, लिविंग बींस है, जितने भी सजीव सृष्टि, सजीव प्राणी हैं, सजीव मनुष्य हैं, वो कौन है? बोले वही प्रभु का चिद रूप। और कहते हैं आनंद स्वरूप क्या है? हमारे हरेक के मन में, हमारे हरेक के अंदर बसे अंतर्यामी जो हमारे हरेक कर्मों को देख रहे हैं, वो कौन है? वो सच्चिदानंद स्वरूप का आनंद स्वरूप। ख्याल आया? हाँ के ना तो बोलो, हाँ या ना? ख्याल आया उसकी यहां बोली कि ख्याल नहीं आया उसकी यहां बोली? तो सदरूप कौन सा? ये दृश्यमान जगत। चिदरूप कौन सा? बोले जितनी भी सजीव सृष्टि है, वो सजीव सृष्टि प्रभु का चिदरूप और आनंद स्वरूप कौन सा? हरेक के अंदर में बसे रहे अंतर्यामी जो हमारे अंदर रह के हमारे कर्मों को देखते हैं, वो आनंद स्वरूप है।